वेल, जब हम एक रिलेशनशिप में होते हैं और जब पार्टनर हमें इग्नोर करता है, उस वक्त हम काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। पार्टनर इग्नोर करता है इस वजह से हम उनके बारे में और ज़्यादा सोचते हैं, उनसे बात करने की और ज़्यादा इच्छा होती है और इसी वजह से हम और ज़्यादा दुखी होने लगते हैं। अगर आप भी इस सिचुएशन में हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। कुछ ऐसी बातें जो आपके लिए भी ज़रूरी है और आपके रिलेशनशिप के लिए भी ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो स्काइल। सबसे पहले ना एक बात को आप समझने की कोशिश करो। जब हम एक रिलेशनशिप में होते हैं और उस रिलेशनशिप में पार्टनर हमें इग्नोर करता है, पार्टनर हमसे अच्छे से बात नहीं करता है, अब यहाँ पे क्या होता है ना, इग्नोर करने की वजह से हमारा ध्यान पार्टनर के ऊपर ही जाता है। हमारी और ज़्यादा इच्छा होती है पार्टनर से बात करने की, और जब भी हम पार्टनर से बात करने की कोशिश करते हैं, या तो पार्टनर इग्नोर कर देता है या फिर अच्छे से बात नहीं करता है। इस पूरी प्रोसेस में शायद पार्टनर को उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम हमेशा उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उन्हें हमारे बारे में सोचने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन अगर हम हमारी बात करें तो हम काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर आप डिस्टर्ब नहीं होते तो शायद ये वीडियो आप नहीं देख रहे होते। अब यहाँ पे ना दो बातें हैं, एक तो आपकी गलती के वजह से पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, दूसरी गलती कि पार्टनर ने वो बिहेवियर बना के रखा है। वेल, दोनों ही सिचुएशन को हम ध्यान से समझेंगे। उससे पहले एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम डायरेक्टली आप कॉल पर मुझसे डिस्कस करना चाहते हो, पेड कंसल्टेशन के लिए 9834250097 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कम्प्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी। वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी गलती की मैं बात करूँगा कि कई बार क्या होता है ना, हमारे अंदर थोड़ा भी सब्र नहीं होता है, पेशेंस की बहुत ज़्यादा कमी होती है। जैसे मान लो आफ्टरनून में आपकी इच्छा हो रही है उनसे बात करने की, तो आफ्टरनून में आपने उनको मैसेज किया। अब हो सकता है उस सिचुएशन में वो बिजी है या उनकी इच्छा नहीं हो रही है बात करने की, तो आफ्टरनून में उन्होंने आपको इग्नोर कर दिया या फिर वो अच्छे से बात नहीं कर रहा है। अब ये सिचुएशन देख के ना हम उनके बारे में और ज़्यादा सोचने लगते हैं और उनसे बात करने की और ज़्यादा कोशिश करते हैं। एक बात आप समझो, आप ना एक पूरी प्रोसेस को समझो। ऐसे नहीं है कि सुबह अच्छे से बात नहीं हुई तो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, आफ्टरनून में अच्छे से बात नहीं हुई तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। आप ये देखो, क्या पार्टनर आपसे अच्छे से बात ही नहीं करता है या तभी इग्नोर करता है जब वो बिजी रहते हैं? जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, सारा दिन तो वो आपसे अच्छे से बात नहीं करते हैं, लेकिन इवनिंग के वक्त या फिर नाइट के वक्त वो आपको टाइम देते हैं, आपसे अच्छे से बात करते हैं। अब यहाँ पे भी क्या होता है ना, हम कंप्लेन करने लगते हैं कि सारा दिन क्यों इग्नोर किया, सारा दिन तो बिजी रहते हो, अब याद आ गई, अब बात कर रहे हो। अब ये गलती भी हमारे साइड से होती है। अगर आपको पार्टनर टाइम ही ना दे तो आप कह सकते हो कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन अगर वो आपको टाइम देते हैं, वो उनके लाइफ में बिजी है, उनकी इच्छा नहीं होती है बात करने की या वो ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, तो यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये देखकर आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। ऑफकोर्स बुरा लगता है, लेकिन आपको ये भी समझना है कि अगर वो टाइम देते हैं, अगर वो एक दो दिन बहुत ज़्यादा बिजी है, लेकिन जैसे ही उनके पास टाइम आ रहा है वो आपको प्रायोरिटी दे रहे हैं, फिर वो आपसे भी बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग ये सोचेंगे कि नहीं, रिलेशनशिप ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, काम से ज़्यादा रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है, ज़िंदगी में दूसरे भी काम है लेकिन उन सभी कामों से ज़्यादा रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रिलेशनशिप की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यस, रिलेशनशिप ज़रूरी है, लेकिन उसकी भी कोई लिमिटेशंस है। अगर आप सारा ध्यान रिलेशनशिप के ऊपर लगा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि पार्टनर भी अपना सारा ध्यान रिलेशनशिप के ऊपर लगा रहा है। अगर वो अपने लाइफ में बिजी है और वो थोड़े जब फ्री होते हैं, जब उनके पास टाइम आता है, जैसे वो सारा दिन बिजी है, वो नाइट में आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं, तो कंप्लेन करने मत बैठ जाओ कि सुबह क्यों नहीं कॉल किया, आफ्टरनून में क्यों कॉल को इग्नोर किया। उस सिचुएशन में अच्छे से बातचीत करो ताकि अगले दिन भी अच्छे से बातचीत हो। अगर आप छोटी छोटी बातों पे इश्यूज बनाना स्टार्ट कर दोगे, अगर उन्होंने थोड़ा भी इग्नोर किया और वहाँ पे आप उन्हें समझाने लग गए, उन्हें बताने लग गए कि उनके साइड से तो ये गलती हो रही है, उनके साइड से तो वो गलती हो रही है, फिर आपका रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा और ये गलती आप मत करो। वेल, आपको एक बात यहाँ पे और एक समझने वाली है कि अगर आप कुछ दिन उन्हें स्पेस देते हो या
इश्यूज़ नहीं बनाते हो अपने साइड से, या ज़्यादा उन्हें समझाने की कोशिश नहीं करते हो, तो वो इससे इरिटेट भी नहीं होंगे और चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि वो धीरे धीरे टाइम देने लग जाए, धीरे धीरे आपसे बात करने लग जाए। लेकिन हम हमेशा कहीं ना कहीं वही बातें डिस्कस करते हैं जिस वजह से इश्यूज़ होने लगते हैं। आई नो मैं अभी तक आपको ही ब्लेम कर रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले आपको खुद को ही बदलना होगा, खुद में ही बदलाव लाने होंगे। अगर आप हमेशा ये शो कर रहे हो कि आप डिस्परेट होते हो, आपको तो बात करनी ही करनी है, रिलेशनशिप के बिना आपकी ज़िंदगी नहीं चलेगी, तो इस बिहेवियर के वजह से वो डिस्टर्ब होने लगेंगे और कॉन्शियसली वो आपको और ज़्यादा इग्नोर करेंगे। इसीलिए कभी भी रिलेशनशिप को उनके सामने इतनी भी प्रायोरिटी मत दो कि आप अपने ज़िंदगी के सभी काम को इग्नोर कर रहे हो और बस रिलेशनशिप को चेस कर रहे हो। अब आती है दूसरी सिचुएशन जहाँ पर पार्टनर की गलती है। अभी तक मैंने आपको ब्लेम किया, बारी पार्टनर की है। अब पार्टनर के भी बिहेवियर को समझने की कोशिश करो। कई बार ना पार्टनर के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, वो भाव खाने लगते हैं, ईगो दिखाने लगते हैं, छोटी छोटी बातों पर नाराज़ होने लगते हैं और हम उन्हें मनाने के लिए उनके पीछे भागते रहते हैं। थोड़े वो नाराज़ हो गए, उनके पीछे भाग गए, थोड़ा उन्होंने इग्नोर कर दिया, उनको कॉल मैसेज करने लग गए। तो यहाँ पर क्या होता है ना, इस वजह से पार्टनर के अंदर और ईगो और एटीट्यूड आता है। सुबह आपके बीच में फाइट हो गई, अब सुबह पार्टनर ने कह दिया कि मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे ब्रेकअप करना है। अब शाम तक उन्हें टाइम दो, एक दो दिन टाइम दो और फिर डिस्कस करो। नहीं नहीं नहीं, हम क्या करते हैं, उसी वक्त उन्हें इतने कॉल्स करके समझाने की कोशिश करते हैं जिस वजह से उन्हें अब तो ब्रेकअप ही चाहिए। उनके मन में अभी भी है कि वो ब्रेकअप नहीं करना चाहते, लेकिन वो आपको यही शो करेंगे कि उन्हें ब्रेकअप करना है। क्यों? क्योंकि आप परेशान कर रहे हो, आप इरिटेट कर रहे हो, आप उनके पीछे भाग रहे हो। तो यहाँ पे तो जानबूझकर वो ब्रेकअप की बात निकालेंगे। आप इस बात को समझने की कोशिश करो, अगर कोई भाव खा रहा है, कोई समझने को तैयार नहीं है, तो उन्हें भाव देना बंद कर दो, उन्हें समझाना बंद कर दो। हम पीछे पड़ जाते हैं और वो पीछे पड़ने के वजह से उनके अंदर और ज़्यादा ईगो आ जाता है। यहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी को, अपने आप को किसी के पीछे इतना भी समर्पित नहीं कर सकते कि खुद दिन भर दुखी होते रहो। उनको खुद पता है कि वो इग्नोर कर रहा है, उनको खुद पता है कि वो अच्छे से बात नहीं कर रहा है। अब जाकर उन्हें आप समझा रहे हो, बच्चे नहीं हैं, उन्हें सब पता है, लेकिन हमें लगता है कि नहीं, उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम कितने दुखी है, उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम कितने डिस्टर्ब है। थोड़ा स्पेस दे दो, क्यों उनके पीछे भाग रहे हो? अगर आपके ज़िद से, आपके परेशान करने के वजह से, रोने के वजह से, गिड़गिड़ाने के वजह से वो समझ जाते तो रिलेशनशिप इतना ख़राब ही नहीं होता। रिलेशनशिप इतना ख़राब हुआ है, रिलेशनशिप इतना डिस्टर्ब हुआ है, मतलब अभी वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। आप अपनी वैल्यू गिराकर, अपने आप को दुखी कर उनके साथ रह रहे हो और इसी वजह से वो इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। देखो, रिलेशनशिप में हर किसी की वैल्यू होती है, फ़र्क सिर्फ इतना होता है कोई अपनी वैल्यू को बचाता है और कोई अपनी वैल्यू को बर्बाद कर देता है। हमें लगता है कि नहीं, प्यार का यही तरीका है, जब हमसे वो दूर जाए, जब हमसे वो ब्रेकअप की बात करे तो हमें रोना तो आएंगे ही, हम तो परेशान तो हो जाएंगे। मैं जानता हूँ कि आप परेशान हो जाओगे, मैं जानता हूँ कि आपको रोना भी आएगा, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसी वक्त उन्हें समझाओ। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप थोड़ा टाइम लो, उन्होंने ब्रेकअप की बात कही है तो दो दिन कुछ मत कहो, उन्हें खुद ही समझ में आ जाएगा कि उन्होंने क्या बोला है। लेकिन हमें लगता है नहीं, अगर हमने अभी नहीं समझाया तो वो तो ब्रेकअप करके किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ जाएंगे, किसी और के साथ शादी करेंगे, किसी और के साथ घूमने चले जाएंगे। इतना डर हम लेके चलते हैं हमारे रिलेशनशिप में। क्या दो दिन बात नहीं करने के वजह से आपका ब्रेकअप हो जाएगा? अगर इतना ही कमज़ोर रिलेशनशिप आप लेके चल रहे हो तो फिर इस रिलेशनशिप में टाइम देना मतलब आपकी सबसे बड़ी गलती है। देखो, वक्त देने से मत डरो। कई बार क्या होता है ना, हम हमारे आप को इतना दुखी करते हैं और उस इंसान के सामने उस दुख को इतना जताते हैं जिस वजह से हमारे दुख पर उनका ध्यान नहीं होता है। आपके आंसुओं की, आपके इमोशंस की, आपके फीलिंग्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है। आप खुद अपने आप की इंपॉर्टेंस नहीं कर रहे हो, आप खुद अपने आप को दुखी होने दे रहे हो, तो उस इंसान से आप क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे हो? मैं जानता हूँ जब कोई बदल जाता है तो बहुत दुख होता है, लेकिन आप इस चीज़ को भी समझो कि जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे वो इंसान और खुद को बदलते रहेगा।
कई बार आपको स्ट्रांग बनने की भी ज़रूरत होती है, कई बार आपको उनके सामने शांत बनने की भी ज़रूरत होती है, कई बार आपको भी खुश रहने की ज़रूरत होती है। दिन भर रो रहे हो उस इंसान के लिए, उस इंसान के पीछे पागल हो रहे हो, तो उस इंसान का ध्यान कभी भी आपके ऊपर नहीं आएगा, और ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है। जितने जल्दी आप इस बात को समझोगे आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। वेल, अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। एक एक मिनट की काफ़ी अमेजिंग वीडियोस बनाता हूँ। 9834250097 इस नंबर पर पेड कंसल्टेशन के लिए व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो।